Hello everyone, myself Santosh Chaubey. Today we shall discuss about the Regulating Act 1773. आज की जो क्लास है इस क्लास में लोग Regulating Act 1773 के बारे में बातचीत करेंगे. देखो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि द ईस्ट इंडिया कंपनी केम एज ए ट्रेडिंग बॉडी विथ इट्स वाइल्ड ड्रीम्स. जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में एक बड़े सपने लेकर के आई और इसी कारण से उसने पहले भारत में व्यापार से लाभ कमाया और फिर भारत में वह पलासी और बक्सर के युद्ध के माध्यम से राजनीतिक शक्ति बन बैठी. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, सपने तो सपने ही होते हैं. कि ख्वाब एक धुआं है न जाने कब वादियों में खो जाए. ख्वाब एक धुआं है न जाने कब वादियों में खो जाए और जीवन एक जुआ है न जाने कब मात खा जाए. जितना सोचो उतना सब हो जाए तो फिर दुख दर्द किस बात का है. जितना सोचो वही जिंदगी पूरा हो जाए तो फिर तकलीफ किस बात की है. क्योंकि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता. माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी लाभ कमाने, लेकिन कंपनी घाटे में जाने लगी और कंपनी ने अपने मातृ देश ब्रिटेन से कहा हमें बचा लीजिए, हम दिवालिया हो जाएंगे. तो कंपनी ने अब कर्ज लेने के लिए जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वहां पे अर्जी दे दी. और नंबर टू में बताऊं आपको कि चलो ठीक है कि आप जो है चलो आप दिवालिया हो रहे हो, कर्जे में जा रहे हो, हो सकता है कि आपने अपना पैसा जन कल्याण में लगा दिया हो. लेकिन मैं बताऊं आपको बड़ा ही बड़ी कंट्राडिक्टरी स्थिति यहां पर उत्पन्न हो गई. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल वेन टू इट्स लोवेस्ट एब. जो बंगाल का प्रशासन है वह बंगाल का प्रशासन अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. बंगाल बिकेम हाउस ऑफ ए माइन, बंगाल दुर्भिक्षों का घर बन गया. 1770 में मानव जनित एक ऐसा अकाल आया जिसमें बंगाल की एक तिहाई जनता मारी गई. संपूर्ण दुनिया में इसके लिए हो हल्ला शुरू हो गया. संपूर्ण दुनिया में कंपनी के साथ साथ ब्रिटेन की थूकम फजीहत होने लगी. ब्रिटेन के सांसदों ने कहा यह तो ठीक बात नहीं है, हम कहां एक लोकतंत्र की दुहाई देने वाले दो देश हैं, हम कहां लोकतंत्र की रक्षक माने जाने वाले देश हैं, हम कहां गोरे के भार के सिद्धांत को सबसे आगे बढ़ाने वाले देश हैं, और दूसरी ओर लोग कह रहे हैं कि आपकी देश से गई हुई कंपनी बंगाल के शासन कैसे चला रही है. और अंततः यह निर्णय हुआ ब्रिटेन की संसद में कि इस कंपनी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए नियम कानून बनाया जाए. और माय डियर फ्रेंड्स, वो नियम बन गया जिस नियम का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773. तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को आप कह सकते हो इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. ये भारत के संवैधानिक विकास का आरंभिक कड़ी है और यही कारण है कि इसको सबसे अधिक इंपॉर्टेंट माना जाता है. चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट वी आर द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के क्या क्या प्रावधान थे. लेकिन इसके पहले हम लोग दो बातों पर विचार करेंगे. पहली बात तो कि आखिर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया उसमें कंपनी का स्ट्रक्चर क्या था, उसका ढांचा क्या था, और नंबर टू कि क्या कुछ हुआ जिसके कारण से कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन के संसद को कानून बनाना पड़ गया. मतलब बैकग्राउंड ऑन विच द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज पास्ड. तो मैं आपको यहां पे सबसे पहले बताऊं कि अगर हम बात करें कंपनी के स्ट्रक्चर या ढांचे के बारे में, तो कंपनी का जो ढांचा था, उस कंपनी का जो नाम था वह नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. लेकिन मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट ओरिजिनल नेम. इसका वास्तविक नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था. पहले इसका नाम था 1600 से लेकर के 1707 ईस्वी तक गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ द कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज. और उसके 1707 में इसका नाम बदल गया, हो गया था यूनाइटेड कंपनी ऑफ ब्रिटेन, यूनाइटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज. और यह 1707 से लेकर के 1784 तक जब तक कंपनी एग्जिस्ट की, जब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस रहा, सॉरी 1874 तक जब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस रहा तब तक कंपनी का नाम यही बना रहा. इसको बस प्यार से, जैसे मुन्ना बबलू होते हैं वैसे ही कंपनी को प्यार से कहते थे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी. तो मैं बताऊं आपको कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले कि पहले क्या थी. कंपनी थी एक टेम्पररी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. 1661 में कंपनी को बना दिया गया था परमानेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. तो कंपनी क्या थी, इट वॉज अ
joint. It was a joint stock company. It was a joint stock company. इसका मतलब जानते हो आप, इसका मतलब यह है एक ऐसी कंपनी जहां पे कई लोगों ने अपना अपना शेयर लगाया हुआ है, पूंजी लगाई हुई है, और उस पूंजी के अनुसार, उस पूंजी के अनुपात में वह उस कंपनी के लाभ और उसके हानि के हकदार हैं। अगर कंपनी लाभ में जाएगी तो उनको लाभ मिलेगा, कंपनी घाटे में जाएगी तो उनको घाटा सहना पड़ेगा, लेकिन अनुपात क्या होगा? अनुपात होगा उनके द्वारा लगाई गई पूंजी। तो इस प्रकार से वह थे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। पहले थे यह टेम्पररी ज्वाइंट स्टॉक, बाद में 1661 में इसको बना दिया गया था परमानेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। दूसरी बात है कि कंपनी का जो हेडक्वार्टर था, कंपनी का जो मुख्यालय था, यह था लंदन में, यह था लंदन में। और उसके मुख्यालय में कौन रहते थे? तो उसके मुख्यालय में रहते थे 24 डायरेक्टर, और उन डायरेक्टरों का की अध्यक्षता करने के लिए एक गवर्नर होता था। तो यहां पर होते थे 25 लोग, और यही 25 जो लोग हैं वह कंपनी की नीतियां, उसकी जो पॉलिसी थी, उन पॉलिसियों को उनका निर्माण करते थे, और उसके क्रियान्वयन, उसके इंप्लीमेंटेशन का जिम्मा भी इन्हीं के ऊपर होता था। तो कंपनी के ये 25 जो लोग थे वो रहते थे लंदन में, और ये रहते थे लंदन में। अब यहाँ पर देखो, यह है कि कंपनी के जो डायरेक्टर या निदेशक हैं, ये आते कैसे थे? तो मैं बताऊं कि इनका होता था, इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस था वह था आपका एक प्रकार का इलेक्शन या निर्वाचन। इनका होता था इलेक्शन या निर्वाचन, इलेक्शन या निर्वाचन। और इनको निर्वाचित करता कौन था? तो इनको निर्वाचित करते थे कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के शेयरधारक इनका करते थे निर्वाचन। क्या सभी शेयरधारक निर्वाचन करते थे? क्या नहीं? 1661 में यह नियम बनाया गया कि जिसके पास कम से कम 500 पाउंड का शेयर होगा वही कंपनी के डायरेक्टर या निदेशक जो होंगे उन निदेशक के लिए मतदान कर पाएगा। और दूसरी बात है कि कंपनी के जो डायरेक्टर चुने जाएंगे वो सब मिल करके बनाएंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इनकी जो अवधि होगी वह होगी 1 ईयर, इनका जो टर्म ऑफिस रखा जाएगा 1 साल रखा जाएगा। ये जो कंपनी के डायरेक्टर होते थे जो लंदन बैठते थे, ये लोग क्या करते थे? एक कंपनी के जो निदेशक मंडल थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वे अपनी आज्ञाएं भेजते थे, और ये आज्ञाएं पानी के जहाज के माध्यम से आता था। और जैसे भारत पहुंच गया तो भारत में देखो क्या था कि 3 मुख्य इनके सेंटर थे। एक सेंटर था बॉम्बे में, दूसरा मद्रास में, और तीसरा कलकत्ता में। यह यहाँ पहुंचता था, और यहाँ पर होते थे कंपनी के हेड, जिनका नाम था गवर्नर, जिनका पदनाम था गवर्नर। तो गवर्नरों के पास इनकी चिट्ठी जाती थी, और इसी के माध्यम से पूरे ये क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किसको बेचना है, कहां बेचना है, कितना बेचना है, जो किसी संधि करनी है, नहीं करनी है, युद्ध करना है, ये सारी नीतियां जो है इस प्रकार से यहां पे बनाई जाती थी, और उनका क्रियान्वयन इसी प्रकार से चलता था। तो देखो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के गतिविधियों को संचालित करने के लिए कुछ नियम बनाए ब्रिटेन के संसद ने। उन्हीं हम नियमों के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके क्या थे प्रोविजंस या प्रावधान, तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देखो इसको 2 भाग में बांट के देखेंगे। पहला यह देखेंगे कि लंदन में उसका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, वहां पे क्या चेंज आया, और दूसरा भारत में जो कंपनी राजनीतिक शक्ति बन गई थी उसके लिए यहाँ पर क्या परिवर्तन किए गए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी में जो लंदन है, लंदन में जहां पर कंपनी का मुख्यालय है वहां पर क्या चेंज लाया गया। तो यहां पर देखो बताना चाहूंगा कि यहां पर 2 बातें की गई। सबसे नंबर 1 कि जो क्वालिफिकेशन है, जो योग्यता है, जो अर्हता है, किसके लिए? तो वोट देने के लिए, वोटिंग के लिए। किसको? तो शेयरधारकों
जो शेयरधारक वोट करते थे किसके लिए, तो कंपनी के डायरेक्टर को चुनने के लिए इसमें वृद्धि की गई। तो बताना चाहूंगा पहले नंबर वन कि क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर होल्डर्स टू कास्ट वोट इन द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स वाज इंक्रीज, जो कंपनी के शेयरधारक थे उनकी योग्यता में यहां पर वृद्धि की गई। और नंबर टू द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर्स वाज इंक्रीज, जो कंपनी के निदेशक थे उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। तो आइए हम लोग इन दोनों पॉइंट पर बातचीत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो पहले जैसे हमने पढ़ा कि 1661 में यदि आप कंपनी के डायरेक्टर के चुनाव में वोट देना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 500 पाउंड का शेयर होना चाहिए। लेकिन यहां पर कहा गया कि नहीं भाई, अब कम से कम अगर आपके पास 1000 पाउंड होगा तभी आप वोट दे पाओगे, नहीं तो आप वोट नहीं दे पाओगे। आप कहोगे सर जी इसके पीछे उद्देश्य या पर्पस बता दो। अगर आप सोचो कि आपको किसी ऐसी सरकार को चुनना हो जिस सरकार के माध्यम से आपके घर का चूल्हा डेली का जलना हो, तो जाहिर सी बात है आप वहां पर भाईवाद, भतीजावाद, क्षेत्रवाद कुछ भी नहीं देखोगे। आप देखोगे एक योग्य आदमी, एक योग्य व्यक्ति जो आपके लिए आपके चूल्हे को जलाने का इंतजाम कर पाए। लेकिन सब यहां पर बताना मैं चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति वैसे व्यक्ति को चुनना है जिससे आपका बहुत जो इंटरेस्ट या जो हित है वो बहुत ज्यादा अधिक प्रभावित नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में जो भाईवाद है, जो भतीजावाद है, जो क्षेत्रवाद है, जो जातिवाद है, जो धर्मवाद है, ये सब जो है संप्रदायवाद है, ये सब यहां पर अभिभावी हो जाएंगे, ये सब डोमिनेंट हो जाएंगे। तो यहां पर कहा गया कि भाई कंपनी के जो शेयर धारक हैं जिनका इंटरेस्ट कंपनी में ज्यादा है, जिनके पैसे ज्यादा लगे हुए हैं, उनको कंपनी की ज्यादा चिंता होगी। इसलिए कम से कम 1000 पाउंड जिसका जिसके पास होगा वही कंपनी के डायरेक्टर के लिए वोटिंग कर पाएगा। और इससे क्या होगा, इससे सही डायरेक्टर या सही निदेशक जो है कंपनी के लिए चुन कर आ पाएंगे। एक बात मैं और बता दूं कि यहां पर कहा गया कि जिसके पास 1000 से लेकर 3000 पाउंड तक का शेयर होगा उसके वोट की वैल्यू 1 होगी, जिसके पास 3000 से लेकर 10000 तक आपका शेयर होगा उसके वोट की वैल्यू 2 होगी, और जिसके पास 10000 से ऊपर के शेयर होंगे उसके वोट की वैल्यू यहां पर 4 होगी। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो कंपनी के डायरेक्टर या निदेशक थे उनको वोट करने के जो शेयर धारक थे उनके पास अधिकतम वोट की वैल्यू क्या हो सकती थी, तो अधिकतम वोट की वैल्यू 4 होती उसकी, जिसके पास 10000 पाउंड से ऊपर के शेयर थे। और जिनके पास 3000 से लेकर 1000 तक के पाउंड के शेयर थे उनके वोट की वैल्यू यहां पर 1 रखी गई थी, और 1000 पाउंड से इसके पास कम शेयर थे उसको वोट देने का अधिकार यहां पर नहीं दिया गया। नंबर टू द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वाज इंक्रीज, कंपनी के निदेशकों का कार्यकाल यहां पर बढ़ा दिया गया। आप पूछोगे सर जी इसका इससे क्या फायदा मिलेगा। देखो बताना चाहता हूं कि पहले कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस था, उनका जो कार्यकाल था, रखा गया था पहले 1 साल, जिसको बढ़ा कर दिया गया 4 ईयर अर्थात 4 साल। फायदा आप ये सोच लो, अगर भारत में प्रत्येक वर्ष चुनाव होता तो क्या होता, तो राजनीतिक पार्टियां चाहे वो सरकार में हो चाहे विपक्ष में बैठी हो सब पूरे वर्ष भर चुनाव की तैयारी करती और शासन प्रशासन की दुर्गति हो जाती है। और यही कारण है कि दुनिया का चाहे कोई भी लोकतंत्र हो थोड़ा गैप दिया जाता है, हालांकि हम इसको बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते, नहीं तो अगर कोई भी सरकार बहुत लंबे समय तक रहेगी कोई पार्टी सरकार में तो पार्टी धीरे धीरे निरंकुश हो जाएगी, तो पार्टी के अंदर निरंकुशता भी पनपना पाए। और दूसरी बात यह है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको पर्याप्त समय भी मिले अपने आपको प्रूफ करने के लिए। और यही जाहिर सी बात यह है कि 1 साल बहुत कम समय था, तो कहा गया कि नहीं उनके पास जो कार्यकाल होगा अब 4 साल होगा। तो कंपनी के जो डायरेक्टर थे कंपनी निदेशक हैं उनका कार्यकाल बढ़ाकर कर दिया गया 1 साल से 4 साल। लेकिन साथ साथ यह भी प्रावधान किया गया कि नहीं भाई एक जो चौथाई डायरेक्टर होंगे मतलब 6 डायरेक्टर हर साल रिटायरमेंट पाते चले जाएंगे।
कार्यकाल उनका 4 साल होगा, लेकिन रिटायरमेंट पाते चले जाएंगे। और जैसे आप राज्यसभा में 1/3 सदस्य जो है वह आपके 2-2 साल में रिटायरमेंट पाते हैं, ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया है। जब राज्यसभा हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर मैं इसके बारे में बार फिर से बता दूंगा, उस प्रोसेस को बता दूंगा, तो आपको ये बात अच्छी समझ में आ जाएगी। ये तो बदलाव था आपका लंदन में। 2 बदलाव हुए, क्या क्या हुआ? पहला यह हुआ कि कंपनी के डायरेक्टर या निदेशक के वोट में, वोटिंग में, उनके मतदान में भाग लेने के लिए न्यूनतम जो योग्यता रखी गई वह 1,000 पाउंड रखी गई। और दूसरा यह रखा गया कि कंपनी के जो निदेशक या डायरेक्टर होंगे उनका कार्यकाल होगा 4 साल का, 4 साल का, पहले 1 साल का था उसको बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया है, भारत है, भारत में इसमें, भारत में कंपनी के संबंध में जो है क्या कुछ परिवर्तन या चेंज लाए गए। तो एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड कराऊं, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आप देख सकते हो कि यहां पे आप देखो 1750 ईस्वी तक भारत में कंपनी के लगभग 40 माल गोदाम हो चुके थे, और इनमें से इनके 3 माल गोदाम जो है महत्वपूर्ण थे। एक था आपका इसका बॉम्बे का माल गोदाम, इसको प्रेसिडेंसी टाउन कहते थे, और इसका नाम था बॉम्बे कैसल। दूसरा आपका था मद्रास वाला, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। और तीसरा इनका जो था वह आपका कोलकाता वाला था, कोलकाता वाला था, तो उस समय का यह था कलकत्ता। तो 3 इनके मालगोदाम महत्वपूर्ण थे, इनको हम लोग कह सकते हैं प्रेसिडेंसी टाउन कहते थे, क्योंकि पहले यहां का अध्यक्ष प्रेसिडेंट होता था, बाद में अध्यक्ष होने का गवर्नर। तो देखो सुनो, बता रहे हैं आपको यहां पर 3 थे। अब बॉम्बे वाला जो था वह क्या करता था, यहां पर जैसे आपका बसीन है, चाउल है, ये जो पश्चिम वाले जितने इसके मालगोदाम थे सब पर इसके गवर्नर के माध्यम से नियंत्रण किया जाता था। अब मद्रास वाला जो है, यह मान लो यहाँ पर पुलिकट है, यहाँ पर कराईकल है, इन सब में जो माल गोदाम थे, नेगी पटना है, इस पर इसका नियंत्रण था। और जैसे हुगली हो गया, पटना हो गया, कासिम बाजार हो गया, कलकत्ता वाले माल गोदाम के माध्यम से इस पर नियंत्रण किया जाता था। और इनके जो हेड होते थे वह कहलाते थे आपके गवर्नर, वो कहलाते थे आपके गवर्नर। सुनो, चूंकि 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी भारत में एक राजनीतिक शक्ति बन गई थी, इसलिए, और वह कहां बनी थी, वह बंगाल बनी थी, इस प्रकार से कलकत्ता के गवर्नर का महत्व बढ़ गया था। तो इस कारण से कहा गया कलकत्ता का जो गवर्नर होगा अब इसकी पदवी बदली जाएगी, या इन गवर्नरों में हेड हो जाएगा एक प्रकार से, और उसकी पदवी बदल के कर दिया गया गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आइए हम लोग यहां पर इसके प्रोविजन या प्रावधान देखें कि क्या क्या इसमें प्रावधान में जो है क्या क्या चेंज लाए गए। तो मैं बताऊं आपको, सबसे पहला चेंज क्या हो गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर वह हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल, वह हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल, और वारन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उस अधिनियम के माध्यम से पहला चेंज हो गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल का जो गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, एंड वारन हेस्टिंग्स वॉज अपॉइंटेड एज इट्स फर्स्ट गवर्नर जनरल, और वारन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल यहां पर नियुक्त कर दिया गया। अब आप कहोगे कि सर जी क्या अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है क्या, इतना बड़ा बंगाल, उस बंगाल में एक गवर्नर जनरल के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना ठीक बात थी क्या? तो मैं बताऊं कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ में एक कार्यकारिणी परिषद, एक कार्यकारिणी परिषद,
एक कार्यकारिणी परिषद एक्सिक्यूटिव काउंसिल का प्रावधान किया गया, एक कार्यकारिणी परिषद एक्सिक्यूटिव काउंसिल का प्रावधान किया गया और यह कहा गया कि जो कार्यकारिणी परिषद है इसमें होंगे कुल चार सदस्य और जिन चार सदस्यों को यहां पर अपॉइंटमेंट दिया गया बाद में मैं बताना चाहूंगा कि वो थे मॉनसेन, बियरवेल, फ्रांसिस और क्लेवरिंग, ये चार लोग थे। तो इन चार लोगों को यहां पर कार्यकारिणी परिषद के चार सदस्यों का यहां पर प्रावधान किया गया। नंबर तीन कहा गया कि जो दिन प्रतिदिन के प्रशासन है उसमें कार्यकारिणी परिषद द्वारा निर्णय लिया जाएगा और जो निर्णय लिया जाएगा वह निर्णय लिया जाएगा कार्यकारिणी परिषद के द्वारा बहुमत के आधार पर। बहुमत का मतलब होता है आधा प्लस एक, मतलब कि चार का आधा हो गया दो प्लस एक तीन, कि अगर तीन सदस्य ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाल दिया तो उनकी बात मानी जाएगी और इस तरीके से यहाँ पर बहुमत के माध्यम से निर्णय लेने की बात हो गई। नंबर चार, अब आप बोलोगे कि सर जी गवर्नर जनरल का फिर क्या मतलब रह गया, यहाँ तो सिर्फ इसका नाम ही बदला गया, इसका काम तो यहाँ पर बदला हुआ समझ में नहीं आता। तो मैं बताऊं आपको कि जो गवर्नर जनरल है इसका यहाँ पे नाम तो बदला ही, पदनाम तो बदला ही गया, साथ ही साथ यह कहा गया कि जब यह मामला दो प्लस दो पर छूट जाएगा, टाई हो जाएगी, तो इसको यहाँ पर निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, मतलब यह दे पाएगा कास्टिंग वोट, जैसे कि लोकसभा में होता है, जैसे कि राज्यसभा में होता है, जैसे विधानसभा में होता है भारत के, वहां पर जो अध्यक्ष है उसको अंत में वोट देने का अधिकार मिलता है जब बात बराबरी पर छूट जाती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि यहां पर यह कहा गया कि जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर हैं उनको अब बाह्य मामलों में एक्सटर्नल मैटर में बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछ करके निर्णय लेना पड़ेगा। मतलब आपको बताना चाहूंगा यह जो आपका बॉम्बे का गवर्नर है, जो मद्रास का है और यहां पे यह जो आपका कलकत्ता का है, तो यह कहा गया कि देखो सुनो जो एक्सटर्नल मैटर होगा जो वाह मामले का मतलब क्या होता है, वाह मामले का मतलब हो गया युद्ध या शांति का मामला, वाह मामला का मतलब हो गया युद्ध या शांति का मामला, कि अगर मान लो कि मद्रास वाले को निजाम के साथ में संधि करनी है या बॉम्बे वाले को मराठों के साथ में युद्ध करना है, तो जब तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछ नहीं लेंगे तब तक वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कोई सड़क बनानी हो, यहाँ पर कोई मालगुजारी वसूल करनी हो, यहाँ पर किसी प्रकार का व्यापारी निर्णय लेना हो, तो इनको अधिकार दे दिया गया कि वे इस मामले में अपना निर्णय ले सकते हैं, मतलब आंतरिक मामलों में उनको स्वतंत्र रखा गया। लेकिन वाह्य मामलों में यह कहा गया कि जो वाह्य मामले होंगे वे वाह्य मामले इसके अधीन होंगे, मतलब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन होंगे। साथ ही साथ कंपनी से कहा गया कि आपके जो कर्मचारी हैं अब उन कर्मचारियों से कह दें कि वे अपना निजी व्यापार छोड़ दें। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार प्राइवेट ट्रेड पर रोक लग गई। इसका मतलब समझो, देखो कंपनी के जो कर्मचारी थे दो प्रकार का व्यापार करते थे, एक कंपनी के लिए और दूसरा अपने आप के लिए। अब सोचो कि अगर आप अपने आप के लिए व्यापार आप जो है स्टेशन मास्टर हो और आपको यह अधिकार मिल जाए कि आप चाहो तो स्टेशन पर पकौड़ी चाय भी बेचवा सकते हो या बेच सकते हो, तो आप क्या करोगे? आप जो है आप रेलवे का काम नहीं देखोगे, आप अपने पकौड़ी और चाय वाले दुकान बैठे रहोगे और यहां ट्रेनें टकराती रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखो क्या किया गया, कंपनी के जो कर्मचारी थे उनसे कहा गया कि प्राइवेट ट्रेड जो निजी व्यापार है अब वो निजी व्यापार अब नहीं कर पाएंगे। और यही कारण था कि जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी थे उनके वेतन बढ़ाए गए। और मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नर जनरल बंगाल का वेतन जो फिक्स किया गया वो 25,000 पाउंड किया गया प्रति वर्ष का। जो कार्यकारिणी परिषद सदस्य थे उनका वेतन फिक्स किया गया प्रति वर्ष का 10,000 पाउंड। और जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ आपके कलकत्ता थे उनका वेतन रखा गया 8,000 पाउंड और जो अन्य जज थे उनका रखा गया 6,000 पाउंड। तो जो यहाँ पे बड़े कर्मचारी थे और जो छोटे कर्मचारी भी थे सबके वेतन में यहाँ पर वृद्धि की गई ताकि उनको जो है इसमें शिकायत न लगाए और रह जाए। और इस प्रकार से प्राइवेट ट्रेड पर यहाँ पर रोक लगा दिया गया था। साथ ही बताना चाहूंगा कि कंपनी से कहा गया कि कंपनी जो है यह 6% से अधिक का लाभांश नहीं दे सकती। कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार से 14 लाख पाउंड का कर्जा ले रखा था, कहा कि जब तक ये कर्जा पटा नहीं देते तब तक जो लाभांश है, जो डिविडेंड है, जो शेयरधारकों को मिलने वाला लाभ की राशि होती है वह 6% से अधिक नहीं हो सकती।
आगे कहा गया कि कंपनी के जो लोग हैं वे दूसरों को क्या करते हैं, ब्याज पर पैसा उठा देते हैं, इससे बड़ा तनाव बढ़ता है, इससे जो है शोषण भी हो रहा है। तो कहा गया कि जो कंपनी के कर्मचारी या जो अधिकारी हैं अगर किसी को भी वे कोई भी ऋण दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो उसका लोन की का जो रेट होगा, ब्याज की जो दर होगी, यह 12% से अधिक नहीं हो सकती। साथ ही साथ कंपनी से कहा गया कि कंपनी अपना जो रिन्यूअल है चार्टर का, कंपनी जो है अपने चार्टर का रिन्यूअल 20 साल में करा दे। कंपनी को भारत में मोनोपोली मिला हुआ था, कंपनी को भारत में एक अधिकार मिला था व्यापार करने का। तो कहा गया कि 20 साल के बाद कंपनी अपने इस व्यापारिक अधिकार वाले चार्टर का रिन्यूअल कराए। और यह कहा गया कि जो हम प्रावधान बना के दे रहे हैं कंपनी के लिए, जो ये नियम बना रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी अवधि रहेगी 5 साल, 5 साल के बाद फिर नया नियम बनेगा। तो आइए हम लोग एक बार फिर से इसको देखते हैं। देखिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द फर्स्ट स्टेप इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत के संवैधानिक विकास का पहला चरण। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट को पारित क्यों किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए किया गया कि बिकॉज कंपनी वाज इन लॉस, एंड नंबर टू द कंपनी मेल एडमिनिस्ट्रेटर बंगाल, कंपनी घाटे में जा रही थी और कंपनी ने बंगाल का शासन जो है वो प्रशासन में बदल दिया था। और यही इन दो जो कारण है, इन दो कारणों को देखते हुए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने निर्णय किया कि कंपनी गतिविधियों को भारत में नियंत्रित किया जाएगा। अगला आता है कि व्हाट वेर प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग 1773, जो रेगुलेटिंग 1773 है इसके क्या क्या प्रावधान थे। तो हम लोग यहां पर बात करने लगे। नंबर वन, हम लोगों ने बात किया कि कंपनी वाज ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी जो है संयुक्त पूंजी कंपनी थी। तो यहां पे क्या होता, कंपनी के होते थे 24 डायरेक्टर और उन डायरेक्टर के माध्यम से एक गवर्नर का चुनाव किया जाता था। 25 लोग लंदन बैठकर कंपनी की गतिविधियों का संचालन करते थे। तो यहां पर चेंज किया गया। पहला चेंज क्या किया गया, यह किया गया कि द क्वालिफिकेशन टू कास्ट वोट टू इलेक्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वाज इंक्रीज, कंपनी के निदेशकों के चुनाव में मतदान करने की जो योग्यता है, इस योग्यता में वृद्धि कर दी गई। उनको पहले 500 पाउंड तक के लोग वोट डाल सकते थे, जिसके पास कम से कम 1000 पाउंड का शेयर नहीं होगा वह कंपनी के डायरेक्टर या निदेशकों के चुनाव में भाग नहीं ले पाएगा। नंबर टू, जो हम लोगों ने यहां पर अभी बात की वो यह था कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वाज इंक्रीज फ्रॉम 1 year to 4 years, कंपनी के जो निदेशक थे, कंपनी डायरेक्टर थे, उनका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। नंबर थ्री, टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो बंगाल का गवर्नर था उसका टाइटल बदल कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। एंड वॉरन हेस्टिंग्स वॉज अपॉइंटेड एज इट्स फर्स्ट गवर्नर जनरल, और वॉरन हेस्टिंग्स को इसका पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। नंबर फोर, एन एक्सिक्यूटिव काउंसिल वाज प्रोवाइडेड, एक कार्यकारिणी परिषद का प्रावधान किया गया। एंड इन एक्सिक्यूटिव काउंसिल देयर यूज्ड टू बी 4 मेंबर्स, कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। एंड इट वाज प्रोवाइडेड दैट द डिसीजन शैल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, जो कोई निर्णय होगा कार्यकारिणी परिषद द्वारा लिया जाएगा और यह निर्णय लिया जाएगा बहुमत के आधार पर। एंड इट वाज प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ टाई द गवर्नर जनरल शैल कास्ट वोट, और जब यहां पर बात बराबरी पर छूट जाएगी तो गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वह यहां पर निर्णायक मत दे सके। नंबर नेक्स्ट, जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर हैं, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वेर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन एक्सटर्नल मैटर, वाह मामलों में, मतलब युद्ध और शांति के मामलों में अगर युद्ध करना हो या संधि करनी हो, तो जब तक मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछ नहीं लेंगे, उनसे अनुमति नहीं लेंगे, तब तक वह इस प्रकार का कार्य नहीं कर पाएंगे। ए सुप्रीम कोर्ट वाज ऑल्सो प्रोवाइडेड, एक जो है सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और मैं बताना चाहता हूं कि 1774 में एक अधिनियम ला करके एक चार्टर के माध्यम से एक सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता का प्रावधान किया गया। यह जो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता था, यह सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता, मैं बताना चाहूंगा आपको कि सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता था, यह आपका 26 मार्च 1774 से प्रभाव में आ गया। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी वेयर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड, कंपनी के जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उनको निजी व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया। नेक्स्ट, जो कंपनी के आपके कर्मचारी थे उनसे कहा गया कि अगर आप किसी को भी भारत में ब्याज लोन देंगे तो उस लोन का जो ब्याज दर होगी, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी मामले में
12% से अधिक नहीं हो सकती। कंपनी से कहा गया कि आप अगर लाभांश जब भी घोषित करो तो लाभांश 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। पहले आपने जो बैंक ऑफ इंग्लैंड से कर्ज रखा है उस कर्ज को पहले चुकाओ। तो इस प्रकार से लाभांश के लिए कहा गया कि लाभांश 6% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट कि कंपनी से कहा गया कि जो आपको यहाँ व्यवस्था दी जा रही है ये व्यवस्था सिर्फ आपके लिए 5 साल के लिए, 5 साल के बाद नया नियम बनेगा। और साथ ही साथ कंपनी से कहा गया कि आपको भारत में एकाधिकार मिला हुआ है, इस एकाधिकार के लिए आप 1600 से चार्टर पा रहे हो और चार्टर का रिन्यूअल होता है तो आप 20 साल में इस चार्टर का रिन्यूअल फिर से करा लें। तो दैट प्रोविजन। अब यहां पर यह सवाल है कि इसमें खामियां क्या थी। देखो दुनिया में कोई भी व्यवस्था हो, चाहे आप कितना भी अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए, ईच एंड एवरी सिस्टम इन्वॉल्व सम डिफेक्ट्स, सम शॉर्टकमिंग्स। सभी जो भी प्रणालियां बनाई जाती हैं सब में कुछ ना कुछ दोष उत्पन्न हो ही जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि रेगुलेटिंग सदस्य 73 का देखो दोष क्या था। पहला दोष यह था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसका नाम बदल दिया गया, उसको बलि से बना दिया गया बजरंग बली, उसको जो है देव से बना दिया गया महादेव, लेकिन उस तरीके से उसके पावर नहीं बढ़ाए गए, उस प्रकार से पावर नहीं बढ़ाए गए। ही वाज नॉट एंटाइटल्ड टू वीटो, उसको वीटो का अधिकार नहीं दिया गया था। और यही कारण है कि जो बंगाल का शासन प्रशासन रहा वह और दुर्गति को प्राप्त कर गया, क्योंकि जो कार्यकारिणी परिषद के लोग थे वो अपनी मनमानी करते थे, गुटबंदी हो गई वहां पे। और इस तरीके से जिस उद्देश्य को लेकर के रेगुलेटिंग बनाया गया था वो अपने उद्देश्य को पाने में सफल नहीं हो सका। दूसरी बात मैं आपको, इसका जो दूसरा दोष था वह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वाज प्रोवाइडेड, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मैं बताना चाहूंगा कि नाम था इसका सर्वोच्च न्यायालय, नाम था इसका महाबली, लेकिन यह तो एक शिखंडी था समझ लो, क्योंकि वास्तव में पहली बात यह है कि इसका सर्वोच्च न्यायालय नाम था लेकिन इसका जो इसकी अपील होती थी वह लंदन के प्रिवी काउंसिल में होती थी। और यही कारण है कि 1862 में इसका नाम बदलकर हाई कोर्ट कलकत्ता कर दिया गया था। तो पहली बात है यह सर्वोच्च न्यायालय नाम का था, सर्वोच्च न्यायालय था नहीं। दूसरी बात है कि इसका क्षेत्राधिकार, इसका जो ज्यूरिस्डिक्शन है वह भी क्लियर नहीं था, क्योंकि एक तरफ जो गवर्नर जनरल का काउंसिल होता था वह भी न्याय करता था और दूसरी तरफ इसको भी न्याय करने का अधिकार दे दिए गए। दोनों सिर्स पर बैठे हुए थे, किसकी बात कौन मानेगा, कौन कहां जाएगा, इसके बारे में कोई क्लियर कट बात नहीं थी। क्षेत्राधिकार का की जब प्रॉब्लम आती है तो जाहिर सी बात यह है कि जो आप जिस उद्देश्य को लेकर के कोई प्रणाली स्थापित करना चाहते हो वह प्रणाली अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाती है। तो दूसरी बात तो यह आपकी हो गई। और इस प्रकार के जो डिफेक्ट थे, इस प्रकार के जो खामियां थी, इन खामियों को दूर करने के लिए ही 1781 का एक अमेंडमेंट एक्ट आया था और उसको 1784 का पीट इंडिया एक्ट। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट 1784। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।